व्हाट्सअप गाइस, ये देखियो है, आज हम बनाने जा रहे हैं पेन होल्डर। ये देखो, ये हमने गत्ता लिया है, ये हमारे पंखे के डब्बे में से निकला था, ये गत्ता लिया। अब हम इसका आज पेन होल्डर बनाने जा रहे हैं। देखिए आप, ये हमने गत्ता लिया है और ये हमने प्लेन पेपर लिया है जो हम इस पर कवर करेंगे इस तरह से, ठीक है। और ये नीचे होल है तो इसको कवर करने के लिए ये हमारे पास शादी का कार्ड है जो थोड़ा मोटा है, तो हम इसको नीचे लगाएंगे, ठीक है। अब हम बनाने चलते हैं पेन होल्डर। ये देखिए, अब हम इसको कवर करने चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे। ये हम इसमें टेप लगाएंगे। देखिए, हमने इसको कवर कर लिया, तो इसमें हम टेप लगा देंगे। ये हमने इसमें टेप लगाई है, अब हम इसको अंदर को कवर करेंगे। ये हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे जिससे ये आसानी से अंदर चला जाए। देखिए, इस तरह हम कट कर लेंगे। अब हम इसको अंदर की तरफ करेंगे, ऐसे ऐसे अंदर की तरफ हम इसको फोल्ड कर देंगे। और अंदर से भी चिपका देंगे, इसी तरह हम इधर से करेंगे। आप चाहे तो गोंद भी लगा सकते हैं, मैं टेप लगा रही हूँ, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कि गोंद लगानी है, मैं गोंद भी लगाऊंगी। देखिए आप, इस तरह से फोल्ड करके, देखिए गाइस, हमने इसको अंदर फोल्ड कर दिया। हम इसको टेप या गोंद की सहायता से कवर करेंगे, ऐसे अंदर अंदर जो हमने अंदर को फोल्ड किया है उसमें हम टेप लगाएंगे और कवर करेंगे। देखिए हम कैसे कवर कर रहे हैं इसको, ये देखिए, ये कवर हो गया ना पूरी तरह। ये देखिए, इधर से भी आप भी इसी तरह टेप या अंदर गोंद लगा देंगे, फेविकोल लगा दें जो आपके पास हो, या जैसे फेविकोल है ये, ठीक है, और या सेलो टेप की सहायता से आप इसको चिपका सकते हैं। ये देखिए, चिपका दिया। अब हम इसमें इधर इस एक तरफ के पोर्शन को बंद करने के लिए, हम इसको कवर करने के लिए ये हमने लिया है, ये शादी का कार्ड है, क्योंकि ये हार्ड है इसलिए लिया हमने। जो पेपर होता है वो प्लेन होता है, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे पहले, फिर चिपकाएंगे। ये देखिए, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखिए, हमने ड्रॉ किया है सर्कल को, अब हम इसको काटेंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए गाइस, ये हमने इसको काट लिया है, अब हम इसको चिपकाएंगे। तो हम इस पे पहले गोंद लगाएंगे ऐसे, देखिए पूरे में गोंद लगा दी है फेविकोल, और अब हम इसको चिपकाएंगे। ये देखिए, ये कवर हो गया हमारा। देखिए, इसको सूखने तक हम आपको भी दिखा रहे हैं। तो हमने इसको कवर कर दिया, ये देख सकते हैं आप, ऐसे है ये, ठीक है। अब जब तक ये सूख रहा है तो हम थोड़ा ऊपर का इसका काम कर लेते हैं। तो अब हम ऊपर की डेकोरेशन चालू करेंगे। ये हम पे गोल्डन कलर की टेप हैगी, इसका हम यूज़ करेंगे इसमें नीचे और ऊपर लगाने के लिए। ये देखिए, अब हम इसको ऐसे लगाएंगे, ये बॉर्डर बन जाएगा हमारा। ऐसे धीरे धीरे प्रेस करते हुए, देखिए पूरे सर्कल में लग गई है। अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे भी कितना सुंदर लग रहा है ना। अब ऐसे ही नीचे हम इस सर्कल पे लगाएंगे। देखिए गाइस, हमने इसको लगा लिया है। अब इसी तरह हम नीचे लगाएंगे, इस तरह हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि सही से चिपक जाए। अब इस साइड भी लगाएंगे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अब नीचे लगाएंगे, देखिए इस तरह हम धीरे धीरे इस पर भी लगाएंगे। आप टेप ना लगाओ, आप प्लेन भी बना सकते हो, लेकिन ये मैं बॉर्डर बनाने के लिए बना रही हूँ। और आप पे इस तरह का गत्ता ना हो तो आप बोतल का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक की बोतल होती है ना, आप उसको भी कट करके इसी तरह बना सकते हैं। आप पे कोई भी इस टाइप का सर्कल वाला हो, आप उसी तरह बना सकते हैं। ये देखिए, देखिए लग रहा है ना सुंदर, आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अभी हम इसको डेकोरेट करके ना बताएंगे आपको। ये देखिए, इस तरह ही प्रेस हो गया है। अब हम इसमें फेस भी बना सकते हैं, तो हम आपको डेकोरेट करते हैं फेस। ये देखिए, अब इस पर हम एक कैट का फेस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप वो ड्रॉ कर सकते हो। देखिए, ये बनाई मैंने आईज। देखिए, हम एक कैट का फेस ड्रॉ कर रहे हैं, ये बनाई हमने आईज। आप आईज को काट के भी ले सकते हो।
कटिंग करके भी ले सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको बता रही हूँ इजी तरीके से। ये देखिए इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं केट का फेस। ठीक है गाइस, ये देखिए हमने ड्रॉ किया है। और अब हम इसके ऊपर इस पेपर की सहायता से हम एक कटिंग करेंगे, एक चित्र ड्रॉ करेंगे हम। ये देखिए ये हम एक आप इसको कह सकते हैं क्लिप बना रहे हैं, ये बिल्ली के लिए हम क्लिप बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये देखिए आप, ऐसे हमने सर्कल लिया, हमने पहले एक सर्कल बनाया है, अब एक छोटा सर्कल मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ये हम बिल्ली की क्लिप बना रहे हैं। ये देखिए ये हमने एक क्लिप ड्रॉ करी, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमने क्लिप से निकाली है, अब इसको हम ऐसे लगाएंगे बिल्ली के फेस के ऊपर जिससे बिल्ली हमारी सुंदर लगेगी। ये देखिए गाइस हमने इसको ड्रॉ किया है पेंसिल से, आप देख सकते हैं ये पेंसिल से हमने ड्रॉ किया है। और हम अब इसको स्केच से कलर करेंगे, आप ड्रॉ ना करके इसको कटिंग भी लगा सकते हो। जैसे मैंने आईज बनाई तो आप बिंदी से, आप बिंदी का यूज कर सकते हो, बिंदी चिपका सकते हो। ये मूछे मैंने पेंसिल से ड्रॉ करी, आप पेपर की कटिंग करके उसको भी चिपका सकते हो। अब हमने कैट का फेस बनाया है, अब यहाँ पे कैट के लिए हम पिन लगाएंगे, उसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। ये देखिए ये हमने बनाई थी ना, इसको हम चिपकाएंगे और हम इस पे भी स्केच चलाएंगे हम। आप देखते रहिए, अभी हम इस पे भी स्केच चलाएंगे, इसको कलर करेंगे। इसको हाईलाइट करने के लिए हम इस पे स्केच चलाएंगे। देखो ये हमने, ये देखो हमने कटिंग कर ली, अब हम इसको कैट के फेस पे लगाएंगे। पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं स्केच से। गाइस हमने स्केच चला लिया, ये देखो फेस बन गया है। अब हम इधर इसको चिपकाएंगे, तो हम ग्लू लगाएंगे और इस पिन को हम लगाएंगे ऐसे। ये देखिए हमारी कैट है ना, ब्यूटीफुल लग रही है ना। अब हम कैट के कान भी बनाएंगे, यानी ईयर बनाएंगे। ईयर बनाने के लिए हमने ये फ्लावर लिए हैं, ये फ्लावर है। इस फ्लावर की इस कटिंग से हम ये इसको इसके कान पे लगाएंगे, इसके कान बनाएंगे। आप कागज से भी बना सकते हो, अभी मैंने इसके कान लिए हैं, इसको हम ऐसे चिपका देंगे। आप इस तरह कागज से भी बना सकते हो इसको। ये इस तरह चिपकाएंगे। ये देखिए हमारी कैट है ना, कितना सुंदर हमारा पेन होल्डर बना है। अभी हम इसके कान आपको कागज से भी बता देते हैं, ताकि अगर आपके पास ये ना हो तो आप पेपर से भी बना सकते हो। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये येलो पेपर है मेरे पास, मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए आप इस तरह ड्रॉ करके भी ईयर बना सकते हैं इस तरह। देखिए हमने बनाया ना, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने ड्रॉ किया ना, हमने इसकी कटिंग कर ली। देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको भी ईयर बना के चिपका सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार चिपका के भी। ये देखिए हमने इसको निकाल लिया और हम इस तरह ईयर भी बना सकते हैं और ऐसे चिपका सकते हैं। मैं आपको चिपका के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आप पेपर से भी ईयर बना सकते हैं। ये देखिए, तो आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उस तरह बनाइए। और आप इसको घर में भी रख सकते हो और अपनी मैम को, अपने फ्रेंडों को, किसी को भी आप गिफ्ट भी कर सकते हो। ये देखिए हमने पेपर वाली ईयर चिपकाए हैं इसमें। ये देखिए है ना, मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया। आप ये कटिंग से भी, इस कटिंग से भी आप ईयर बना सकते हो, आईज बना सकते हो, और ऐसे भी आप जैसे आपको आपका मन करे वैसे आप डेकोरेट कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरा पेन होल्डर। अब मैं दोबारा से इसमें वो ईयर लगाऊंगी जो मैंने पसंद किए हैं, मुझे ये वाले अच्छे लग रहे हैं तो मैं यही लगाऊंगी।
इसमें ये टेप की तरह है तो ये टेप की तरह चिपकेगा, हल्का सा इसको दबाना पड़ेगा। ये देखिए हमारी कैट, ये देखिए हमारा पेन होल्डर रेडी हो गया है। अगर आपको और भी डेकोरेशन करनी है तो करो, कर सकते हो आप। मुझे इतना सिंपल अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा पेन होल्डर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये कैसा लगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग।